बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम लिखित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर, और यहां पर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत यादव उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, खूब जमकर नारेबाजी की है और घंटों तक जिलाधिकारी कार्यालय के जो गेट पर वो अड़े रहे। आखिर में उन्होंने यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। क्या ज्ञापन में मांगे रहीं, किन मांगों को लेकर उनका ये प्रदर्शन ना, आइए जानते हैं। जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, बताइए लोकमणि जी, क्या प्रमुख मांगे रही हैं आपके आज के इस प्रदर्शन में? देखिए, इस प्रदर्शन में हमारी प्रमुख मांग में है जो कोरोना काल में बेरोजगारी तो बड़ी बड़ी, साथ में इन्होंने पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम भी बढ़ा दिए, खाद्यान्न पदार्थों के दाम भी बढ़ा दिए। आप सरसों का तेल जो 90 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये था, वो अब कितने रुपए है? 200 रुपये लीटर। रिफाइंड कितने? 175 रुपये लीटर। भाई, ये जो लगातार खाद्यान्न पदार्थ बढ़ते रहेंगे, बेरोजगारी रहेगी, तो आदमी के पास खाना कहाँ से आएगा, खाना मुहैया कहाँ से होगा? सबसे बड़ी बात यह है, उसको लेके हमने आज धरना प्रदर्शन रखा कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम बढ़ाए गए, खाद्यान्न पदार्थों के दाम बढ़ाए गए, उनको घटाया जाए, यथास्थिति में पहले जैसी थी पहले लाया जाए। और दूसरी बात, अभी 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो नाले के अंदर चले गए के नाम 2 व्यक्ति। किसकी गलती के कारण? नगर निगम की गलती के कारण। उनका क्या हुआ? निकाला और दाह संस्कार कर दिया। अरे, उसका परिवार है, उसके खाने कमाने वाले वही लोग थे, मुआवजा दें उनको 5-5 लाख रुपए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मुआवजा दीजिए, उनको नौकरी दिलवाइए। फिर सरकार की बात करें हम, सरकार लगातार कोई कदम रोजगारी को ख़त्म करने के लिए नहीं कर रही। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगातार दाम घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ते ही बढ़ते हैं, घटते कभी नहीं है। जब 25 बार ये बढ़ा लेंगे तो एक बार घटाएंगे, तो ये कहाँ का नियम है? जब आपने कहा था कि साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से, देखिए इसको ले डूबेंगे ये लोग, ये हम, ये प्रदेश सरकार, हम ये मानते हैं कि सरकार की प्लान स्कीम है ये कि साहब आप दामों को बढ़ा दी जाइए। इनको दिख रहा है कि हम जा रहे हैं, हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो जितना आप बटोर सकते हो सब बटोर लीजिए। अब हाल ही में देख लीजिए, राम के नाम पर सबसे चंदा मांगा गया, मैंने भी दिया, सबने दिया हुआ, यहाँ जितने भी होंगे, चंदा दे के जमीन खरीदी, जमीन में घोटाला 18 करोड़ का। कहाँ राम भक्त हैं ये, कहाँ देशभक्त हैं ये बताइए आप? जो भगवान के नाम पे घोटाला कर रहा है, वरना भगवान के नाम पे घपला कर रहा है, तो ऐसे सरकार के नुमाइंदों पे कैसे क्या नाम भरोसा करा जाए? तो मेरा तो कहने का मतलब है कि योगी के विष में गुंडा घुस गया प्रदेश में जी, इसीलिए हमने करा कि आपके दाम वापस हो, और नहीं हम लगातार करते रहेंगे। देखो, आपने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि जिस तरह से महंगाई अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है, सरकार उसको रोकने में नाकाम है। उन्होंने खाद्यान्न सहित तमाम चीज़ों को, डीजल, पेट्रोल, जो कि सीधे किसान से जुड़े हुए हैं, इन सब पर तत्काल अंकुश लगाने की और उसको पुनः सामान्य करने की उन्होंने मांग उठाई है। इसी के साथ मथुरा का स्थानीय मुद्दा, उन्होंने कहा कि जो बरसात के समय नाले में एक बाइक सवार चले गए, उसमें 2 युवकों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जो मृतक के परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके जो ऐसे में जो संकट आया उसको किसी तरह से उसको बांटा जाए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे नगर निगम जिम्मेदार है। और बात भी कहीं ना आता है, इनका जो आरोप है कि आखिर खुले नाले पड़े हैं, नगर निगम दावा कर रही है कि हमने सारे नाले साफ करके और ढक दिए हैं, लेकिन अगर ढक दिए होते तो ये दुर्घटना क्यों होती? तो कहीं ना कहीं कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने विफल बताया है। और एक जो बहुत बड़ी बात कही है, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में आगे लाने की जिन्होंने एक इशारा किया है कि ये सरकार इस समय जा रही है और जाते जाते ये माल बटोरना चाहती है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकमणिकांत ने लगाया है। आज सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, कड़ी धूप में यहाँ डटे रहे, प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक हुई। आखिर में यहाँ पर अंदर जिलाधिकारी कार्यालय पर आए और जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं जवाहरलाल श्रीवास्तव, उनको अपना ज्ञापन सौंपा, शीघ्र अपनी मांगों को मनवाने का उन्होंने प्रयास किया। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है और कितना महंगाई इत्यादि पर उसको घटाने में एक कारगर काम करती है, जिससे कि आम जनता को भी कुछ राहत मिल सके। जी 9 न्यूज़ के लिए अपने साथ एक कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।